गिफ्ट हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोशिश। नमस्कार, मैं रविश कुमार। कल्टीवेटिंग होप पिरामल फाउंडेशन और एनडीटीवी का ये एक नया अभियान है, एक ख़ास मकसद से कि हम उस तबके के बारे में कम बात करें और बात से ज़्यादा जो कुछ कर सकते हैं वो करने के बारे में सोचें और कदम बढ़ा दें। हम किसानों की बात कर रहे हैं, जैसे आप अलग अलग इलाकों में खेडूत, रैयत, रायतु, जिमीदार, ज़मींदार, फार्मर और अब थोड़ा सा हाई क्लास कल्टीवेटर भी कहते हैं। लेकिन अक्सर जब भी हमारे और आपके सामने से ये खबरें गुजरती हैं कि इस देश में 20 साल में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपसे, कोई ना कोई इस देश में किसी ना किसी हिस्से में इस देश के कोई किसान अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैसला, दुखद फैसला कर रहा होगा। हम सब इन बातों को देखकर, कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम उतना नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, और ख़ासकर वो हिस्सा जिससे हम लोग आते हैं और जो सरकारों को और समाज को दोबारा से प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसकी बातचीत में किसान नहीं है। और है भी तो बहुत रूटीन की तरह से है, एक बेचैनी की तरह नहीं है, जैसे वो तमाम अन्य मुद्दों पर बेचैन होता है कि दिल्ली की हवा क्यों इतनी ख़राब हो रही है, अभी कोई कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, या हमारी सीमा पर सुरक्षा के साधन इतने कमज़ोर क्यों हैं, क्यों नहीं अभी कुछ किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों नहीं अभी कुछ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम कम बात करते हैं, और ये ज़रूर है कि खेती करता है, पूरा एक साल लग जाता है, 6-6 महीने के हिसाब से महीने की कमाई, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि वो 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाता है। तो जिसकी लागत इतनी ज़्यादा हो और जिसकी कमाई 3,000 रुपये हो और ज़मीन के इतने बड़े हिस्से में, और जिसका उगाया हुआ खाकर हम स्वस्थ हो जाते हैं, वो कम है। और क्या हम इन सब समस्याओं के बारे में कुछ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये अभियान है कल्टीवेटिंग होप। Nothing to eat, no work to do. Farmers are committing suicide in so many different states. No source of livelihood. The killer drought snatched it all. Kya karenge? And no one to buy their crop. The agrarian crisis taking the lives of young children. India is an agrarian country. Person, the last person of Indian society, then you will be able to confirm that your policies and programs are good for the country. It is time we are answerable. I think it gives a powerful message to all corporates how they need to think innovatively, how they need to bring in their own skills which are used in abundance in their businesses, how they need to connect with India, connect with the real India which lives in its villages, and find solutions to these problems. Because ultimately, government alone cannot do the transformation of India that we all desire. क्या ऐसे लोगों को जोड़ा जा सकता है, एक मंच पे लाया जा सकता है कि जिनके अनुभवों का फायदा किसानों को हो, और इनके एक मंच पर आने से सरकार पर भी दबाव पड़े कि वो और कुछ करे, वो जितना कर रही है उससे ज़्यादा करने के लिए मजबूर हो ताकि नतीजा जल्दी से आए। तो हम इसमें बात करेंगे, हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से, पंजाब, तेलंगाना, विदर्भ से भी किसान आए हैं जो इस समस्या से प्रभावित हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं और नौजवान साथी भी हैं हमारे। और मंच पर, स्टेज पर अजय पिरामल साहब हैं, चेयरमैन पिरामल ग्रुप के, और अक्षय कुमार जी हैं, फिल्म अभिनेता हैं, और आपने, आपकी एक अच्छी आदत है कि आप अपने काम के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन जिक्र करना ज़रूरी है कि आपने, नाना पाटेकर ने जो किसानों के लिए अपनी अपने सीमित संसाधनों से जो कुछ भी किया है, वो 1-2 लाख रुपये की बात नहीं है, करोड़ की बात नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी बात इसलिए है कि उस तबके से लोगों ने ये सोचना शुरू किया है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो उस पहली पहल के लिए तो आप लोगों का स्वागत किया ही जाना चाहिए। और पिरामल साहब, आप भी अपने ग्रुप की तरफ से
यहाँ आने से। लेकिन तब भी किसानों का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट है वो किसानों के साथ ही रहेगा, चाहे आगे जीडीपी कितनी भी बड़ी हो। तो भारत तो अपने विलेजेस में ही रहता है, और इसीलिए हम लोग गए थे गांवों में और देखे कि काफ़ी हालत ख़राब है। अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर के बारे में बात करूं तो आज भारत बोलते हैं कि मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत आगे बढ़ गया है, देश विदेश के दूसरी कंपनियां भी देख रहे हैं। लेकिन तब भी अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो सिर्फ आप देखेंगे कि 40% लोग आज मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। बहुत लोगों को आज आप कोई एक छोटी सैरिडॉन जैसी दवा भी नहीं मिलती है जो अपने रोज रूटीन में देखते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो पानी है उसमें बहुत बहुत मिनरल्स जो हैं, हैवी मेटल्स हैं, उसके कारण जब से बच्चा बड़ा होता है, जैसे पैदा होता है, उस समय से ही उसके पेट में खराबियां हो जाती है। और भारत में स्टंटेड जो लोग बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, लोगों की हेल्थ खराब है। तीसरा हमने देखा कि एजुकेशन की स्तर में भी आज जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके कारण सभी बच्चे स्कूल में आने लग गए हैं, लेकिन जो शिक्षा की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। ताकि जो आज 5वीं कक्षा में बच्चा है वो एक दूसरी कक्षा जैसे बच्चे की ओर से पढ़ाई करता है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि पब्लिक स्कूल्स में लोग नहीं जा रहे हैं। और एक किसान जिसकी आप आमदनी बताए इतनी कम है तो भी उसको यही इच्छा है कि अपने बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल में जाए और वहाँ ज़्यादा फीस दे, 30,000 रुपये की फीस होती है साल की। तो पूरा इसके कारण सभी लोगों के बहुत, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, और इसीलिए। पर क्या आपको लगा जब आपने उन स्कूलों में अपने लोगों के ज़रिए स्किल ट्रेनिंग दी कि पढ़ाई का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए, इन सब बातों से उनके खेती करने के तौर तरीके में कोई बदलाव आया, उनके आत्मविश्वास में कोई बदलाव आया क्या? बिल्कुल, बहुत बदलाव आ रहा है। क्योंकि एक तो खेती, जब देखिए जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब एजुकेटेड होते हैं तो काफ़ी आजकल इंफॉर्मेशन मिलता है, गवर्नमेंट भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है और भी साधनों के साथ, आजकल कनेक्टेड वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं किए हो तो उसका आप बेनिफिट ले नहीं सकते हैं। प्राइसिंग का क्या, जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्या मार्केट की प्राइस है वो भी नहीं मालूम रहती थी। लेकिन ये सब पढ़ाइयों से इसका फर्क तो पड़ता ही है। और हम गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज निकालती हैं तो फार्मर्स को बिकॉज ऑफ एजुकेशन ना होने के कारण उनको पता भी नहीं होता है तो किस पॉलिसीज के साथ चले, कैसा हो। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। एंड इज राइट। अच्छा, जब आप गए महाराष्ट्र के इलाकों में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके परिवारों की मदद के लिए, इससे पहले जब जागे तब सवेरा हिंदुस्तान में कहते हैं, आपने क्या महसूस किया कि इनकी समस्याओं का कारण क्या है? मतलब कोई आदमी ऐसे ही हिम्मत हार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा किसान पूरी ज़िंदगी भर हारता है, वो लगाता है फसल, मौसम से लड़ता है, उससे हारता है, वो तो हार कर ही जीना जानता है, लेकिन वो आत्महत्या की सीढ़ी तक कैसे पहुंच जाता है? जनाब, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि नेचर इज़ द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पर ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गांव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे। रिश्वत ले ली? नहीं, रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा लेते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो। और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देर आर सम पॉलिसीज गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। तो
उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूं तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे. दैट इज एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा. और जहाँ तक रहा सवाल मेरे जाने का, मैंने सच कहें तो मैं गया नहीं हूँ मराठावाड़ा में, जहाँ ये जितने भी फार्मर्स हैं, लेकिन पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले जी, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी पता चला था तो उन्होंने मुझे बुलाया था और जस्ट मुझे एक थैंक यू कहने के लिए, और बहुत अच्छी तरह मुझसे मिले, बहुत अच्छी तरह बातें हुई उनके साथ. एंड बट बेसिकली मैंने यही देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खास करके आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यहाँ के किसानों में ये जो सुसाइड की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है इस साइड. एक और भी है कि बात मुआवजे से या उसकी रकम बढ़ा देने से आत्महत्या नहीं रुकती है, क्योंकि सवाल है कि जो लागत है किसान की वो इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके अनुपात में कीमत नहीं मिल रही है और इस चेन को कोई तोड़ नहीं पा रहा है. तो अभी पीयूष गोयल साहब कह रहे थे हमारे इस रिपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री के लोग उस चेन को तोड़ने में मदद कर दें कि बता दें कोई ऐसा तरीका कि किसान अगर 10,000 रुपया लगा रहा है प्रति एकड़ तो उसे नुकसान ना हो, कम से कम वो 20,000 रुपया कमा ले, जिससे वो 20,000 भी कमाएगा तो भी आप साल में बांटेंगे तो महीने में 2,000-3,000 ही होगा. तो ये जो एक बड़ा संकट है, और ख़ासकर जो सूदखोर और महाजन हैं उसके नेटवर्क में जो हमारा किसान फंसता है, वो शायद उसे जोड़ना भी नहीं आता होगा कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज में उसका सूद बढ़ता चला जा रहा है और वो फंसता है उससे. और मैंने ये भी एक सवाल पूछना है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है कि साल में 2 क्रॉप्स करें या 3 क्रॉप्स करें, एक ही क्रॉप की, मतलब इट इज अ वेरी, इट्स अ काइंड ऑफ अ रूल कि एक ही क्रॉप कर सकते हैं साल का. दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड. इसका हमारे किसान आए हैं वो लोग बताएंगे, और उम्मीद भी करेंगे कि जो हम नहीं जानते हैं वो आप थोड़ा सा बताएं, ताकि इस कार्यक्रम के जरिए जो दर्शकों का बड़ा समाज देख रहा है वो भी कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है. तो ये इस समस्याओं पे कम से कम पहली बात हो कि हम बात करना शुरू करें, वो हिस्सा जिसके ओपिनियन का असर सोसाइटी पर पड़ता है और गवर्नमेंट पर पड़ता है. उमा सुधीर हैं हमारी सहयोगी, और आंध्र प्रदेश में इन्होंने काफ़ी शिद्दत से सीरियसली कवर किया है फार्मर्स सुसाइड को, और उमा के साथ बच्चे भी हैं और एक परिवार के सदस्य भी हैं. उमा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने कवर किया है, आत्महत्या किसी एक फसल से करने वाले जितने किसान हैं, क्या वो एक फसल की खेती से जुड़े हुए हैं, क्या जो दूसरी फसल उगा रहे हैं उनमें भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उन फसलों के किसान भी, या ये किसी खास फसल से जुड़ा हुआ मामला है? Initially, the understanding was that it is essentially the farmers who are moving towards cash crops, who are having high intensive, high input agriculture, who are committing suicide. But now we are beginning to see that it is not just cotton farmers who are committing suicide. You have people who are cultivating paddy, people who are cultivating wheat. We are talking about rich states like Punjab. They are committing suicide. You have farmers across crops, in fact, committing suicide. And that's where perhaps the question of remuneration. It's very heartening when civil society reacts to these individual stories of these kind of children. You have come. See, one does what one gets blessed to do. In the foundation for past not 1-2 years, more than 7 years, we've been doing this on a very quiet manner. Problem was that he was not willing to open up. The education part is something which we took up in a very serious level, because you provide education, you are digitally able to connect them. You provide a good healthcare, telemedicine, which we have succeeded. Our initiatives have become Harvard Business School case studies. Similarly with water. So if you give them a clean drinking water, like we have now supplied, set up a power plant, the water plant in Telangana in the Pidichit school. If these basic infrastructures are created, we have a problem. But rather than problem which is going to be hanging around, we need to offer them a solution. Sikka sahab, jab aapne ye kiya, kuch badlav aapne dekha ki kheti ko lekar unka nazariya badla ho. Ek aadmi wo ek ek starfish ko utha ke pani mein phenk deta tha, to usko pucha gaya ki ye yahan par millions of starfish hain, isko discuss karenge. Aap ye batana chahenge ki Piramal Foundation Gates Foundation ke sath judi hui hai. Okay, bahut lambe acche plans hain. क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम बात करें, और मेरी ये जो नया समाज,
अगर मैं बैठ जाऊं अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेके, टैक्सेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वही खत्म नहीं, बहुत छोटी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आज एक बात मैंने अभी सुनी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, अगर इन्होंने, जो नेक्स्ट जनरेशन ने फार्मिंग करना छोड़ दिया तो गेम खत्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम जितने भी शुरू होना शुरू हो जाएंगे, इधर पैसा कमाने का कुछ फायदा नहीं है। आज मैं अगर यही कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है फार्मर्स की, गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ही सब कुछ होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं कि सरकारों में उनके पास ये एक नजरिया बन गया है कि वो खेती को छोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, जबकि इतना बड़ा सेक्टर कोई भी नहीं है इस देश में जो 70% लोगों को कम से कम वो बिल्कुल 99% आपके यहाँ इरिगेशन है, तब बताइए कि पूरा कॉटन फार्मिंग डूब गया। और आपके यहाँ से तो किसानों के नेता आया करते थे, बात होती थी पंजाब के कोई राजनेता होता तो पहले पंजाबी से पहले लगता था ये किसान नेता है। You talk about the contrast where you don't have irrigation sources and borewell is the source, and a state which has huge amount of irrigation and yet we are reporting farmer suicide. It's a बैठ के बताइए, बैठ के बताइए। एक चीज बताइए जरूर कि हम क्या नहीं समझ रहे हैं जो सरकार करती है। देखिए हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि सरकार ने ये ऐलान कर दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं और क्या वो होना चाहिए जिससे सारे हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उस पर बात करे कि ये वो कारण है जिसकी वजह से आपकी खेती डूब रही है और आपके साथी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। रवि जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ NDTV का, जिन्होंने किसानों की समस्या बारे ये बड़ा कार्य शुरू किया, क्योंकि जो किसानी का संकट है पूरे देश में बहुत बड़ा गहरा संकट है। इसके ऊपर बहुत बुद्धिजीवी आप जैसे लोगों ने बहुत बहुत बड़े जिक्र किए। देखो हम लोग जो पंजाब है एक खेती प्रधान सूबा है, क्योंकि हमारे बहुत लोग फार्मर भी रहते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन जो आज हालत हमारी पंजाब की खेती की है वो बिल्कुल बहुत ही माड़ी हालत में गुजर रही है। उसका कारण किया देखो, मालवा पट्टी में जो 12,000 एकड़ था नरमे की पट्टी थी, उसका किसान का कोई कसूर नहीं था। किसान ने बीज बुआ, नरमा हुआ, उसको कोई जो बटरफ्लाई आई या जो चिट्टी मक्खी आई या उसके लिए जो दवाई दी गई वो नकली दवाई दी गई, उस दवाई ने काम नहीं किया। 33 करोड़ की दवाई जो है खेतीबाड़ी विभाग का जो डायरेक्टर है मंगल सिंह, उसने उसमें कितना फर्जीवाड़ा किया। इसमें एक और चीज है, ये मैं केस जा रखते थे तो उसकी प्योरिटी होती थी, लेकिन ये इम्प्योरिटी होती है, ये जो ऐसे लोग होते हैं जो दे शुड बी चार्ज फॉर मर्डर और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। स्पूरियस सीड्स, स्पूरियस एवरीथिंग एक्चुअली, एंड दे हैव नो रिकोर्स एट ऑल। वन अदर थिंग जो एग्रीकल्चर में है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अपने एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो 60s और 70s में हुआ था, जब पंजाब ने इतना प्रोडक्शन दिया, उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी नहीं गवर्नमेंट लाई नहीं है। इसलिए आप देखिए, और जैसे सब्सिडीज आ रही हैं तो पानी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आज वाटर टेबल देखिए पंजाब में कितना नीचे आ गया है, 300 फीट 400 फीट से पानी नहीं मिलता है। पर एक बात है कि हम अगर सचमुच सीरियस हैं तो जो अक्षय कह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर हैं किसानों के मामले में उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होती है। ये लोग आकर बताते हैं, जो अक्षय का सवाल रह गया कि हम ने एक खेत में एक ही फसल क्यों उगाते हैं, तो ये भी हुआ, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम कंपनियों पे इतने निर्भर होते गए हैं कि जो बहुफसली व्यवस्था थी कि एक ही प्लॉट में, हम अनुभव खत्म होता जा रहा है, क्योंकि किस खेती करने वाले लोग जब खेती छोड़ देंगे तो कौन बचेगा, जो नई पीढ़ी आएगी बाप दादा रहेंगे नहीं बताने वाले कि कहाँ से है। विदर्भ से हैं हमारे साथ तिवारी जी, अगर आप बता सकें तो हमें और ज्यादा समझने में आसानी होगी कि अक्सर कारण बताइए कि क्यों ये नतीजा नहीं। आपने जो कहा जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो नहीं करना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन दो मुद्दे, अक्षय जी ने एक सवाल उठाया कि ये मोनोक्रॉपिंग क्यों होती है, एक ही फसल क्यों होती है, और एग्रीकल्चर से इनकम नहीं आ रहा, ये विषय आपने रखा,
और दूसरा, मैं पहली बार किसी फाउंडेशन के चेयरमैन से बात सुन रहा था कि ग्रामीण व्यवस्था में सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक आरोग्य और पानी ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं विदर्भ प्रांत से आ रहा हूँ, ये तो विधवा है और इसकी जमीन 1-2 करोड़ की है, 2 लाख के लिए पति ने आत्महत्या की, 2 लड़कियों को पाल रही है। यह एक बंजारा समाज से आए जिसके समाज में करीब 10,000 किसानों की आत्महत्या है। विदर्भ और मराठवाड़ा प्रांत में तो पूरा बर्बाद हो गया। क्लाइमेट चेंज अक्षय जी, ये 2 साल की समस्या है, पर आत्महत्याएं ये तो 2001 से हो रही है। मैं बताता हूँ कि यह चीज़ ऐसी है कि हमें फसलें दी गई, नकदी फसलें, वो इतनी क्यों बढ़ गई, और बीज भी हमें दिए गए, वो नकदी फसलों के ही बीज थे। तो मेरे एरिया में तो 90% नगद फसल लेने लगे लोग, जो ज़्यादा पानी की फसल है, और उसके बीज देने वाली कंपनियां आ गई और उस पर मारने की दवाइयां आ गई। इंडिया में रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, और आज़ादी जो बीज की थी वो भी चले गई। तो एक मुद्दा है खेती का, रेगुलेटर किस तरह का, जो ये बीज देते हैं, जो भी अक्षय ने कहा कि मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, तो ये अच्छी किस्म की बीज दी या नहीं दी, इन सब को बीज और जो कीटनाशक दवाइयां हैं अगर उसमें खराबी पाई जाती है, तो जैसे हम टेलीफोन सेक्टर में कहते हैं कि TRAI होना चाहिए, आप वैसा रेगुलेटर चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं रेगुलेटर की बात क्यों कह रहा हूं कि ना तो आप क्वालिटी को कोई कंट्रोल कर रहे हैं ना क्वांटिटी को कर रहे हैं, और मर्डर की तो बात दूर। इनके यहाँ जो अभी दवाई दी थी व्हाइट फ्लाई के लिए, उसको 100 रुपया भी दंड नहीं हुआ। अभी सीड की कंपनियां ऐसी हो गई, लेकिन सरकार अपनी जवाबदारियों से जा रही है। लेकिन एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि अगर ये नकदी फसलें इतनी लेंगे तो अनाज उगाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि एक बार में हम एक ही फसल उगा रहे हैं, दो पूरे साल में 2 फसल क्यों उगा रहे हैं, क्या हम ज्यादा नहीं उगा सकते? नहीं, ये चीज इसलिए भी नहीं है क्योंकि पंजाब में 3 फसल लेते क्योंकि पानी है। मैं उस इलाके से आ रहा हूँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, वहाँ किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अभी हमने महाराष्ट्र के अंदर, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ अक्षय जी का, कि जिन्होंने हमें बहुत बड़ी राशि दी है, हमने हर नाला हर नदी को रोक के किसान दूसरा पानी ले, इसके लिए प्रयत्न किया है। मैं इस बात के लिए पिरामल फाउंडेशन को गुजारिश करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर वो सार्वजनिक शिक्षा, ठीक है, पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए कुछ काम करें। आप इरिगेशन जो महाराष्ट्र की बात करेंगे, 10 साल में महाराष्ट्र ने लगाया, कोई रिजल्ट नहीं है। और उसका नहीं नहीं उनकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की कि 0.1% इरिगेशन बढ़ा है सिर्फ, तो कहाँ गया ये पैसा? और इसके कोई रिपोर्ट नहीं मान पर ये पूछना चाहिए, इसके कारण आप देखिए विदर्भ और मराठवाड़ा में ये 10-15 साल से हर साल, चाहे बारिश हो या नहीं हो, देश में उधर अकाल पड़ता ही है। We have been speaking about the farmers not getting remunerative prices. Government's own accounts say that the cultivation of safe paddy, for instance, the minimum support price is hardly half, 50% of the cultivating price. These are government's own estimates. The state government of Andhra Pradesh, for instance, has estimated that the cost of cultivating paddy is double of what the government is actually giving. The second thing is about monocropping. When you're talking about, government has so strongly supported rice, paddy, for instance, that all those crops which are water, don't require so much of water, that those crops are not getting encouraged, and we need to bring them into the PDS, and we are talking them as the health crops now, the you know, the dry cereals, that the bajra, the jowar, which are the high protein, high calcium things. In fact, while we talk about all this distressing scenario, I must also say that the wheels of rural India, if they are running because of bravery of people like Sunita, who despite the challenges, she probably has to continue in farming, and that's the reason why we are all eating today. She lost her husband in 2014. She's bringing up her 2 children, 2 girls, sending them to school and continuing with farming. Sunita ji, aapne bahut bahut kashth dekhe hain. Aapke husband ne bhi apna aatmahatya kar liya tha. Uske baad aapko kaisa support aap chahte the aur kaise aapne nibhaya, aapne bachon ko bhi padhaya hai. Aapke bachche kya padh rahe hain? क्या वो लोग भी अभी फार्मिंग करेंगे? क्या वो लोग किसान से किसान बनना चाहेंगे या फिर किसान से शादी करना चाहेंगे?
किसानों से तो बच्चों को पूरी नफरत हो गई, क्यों तो किसान अभी किसान की पूरी यही उम्मीद ही खत्म हो गई बारिश कम होने की वजह से, और सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही उसकी वजह से भी, और किसान अपना ये खेती करना का करने का धंधा जो अभी सब हमारे उधर के खेत वाले सभी किसान छोड़ना चाह रहे, क्यों तो 3-4 साल से वही हाल है हमारे, करते करते थक गए हम। एक साल का खर्चा 1 लाख का होता और 50,000 का ये होता हमको, तो क्या करेंगे, खाना पीना इसमें रखा नहीं था। लेकिन एक बात बहुत चौकन्ने करने वाली है जो इन्होंने बोली, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से। अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए। एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। और मतलब बहुत मतलब आप सब जानते हैं, सब अकलमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे, वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें, एंड दे यूज ब्रेन्स टेक्नोलॉजी, दे यूज द एजुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज गेट इन टू दिस, इट इज अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आवर कंट्री। जी ने कहा कि फार्मर्स बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट से कि ये प्रोग्राम इज अबाउट कल्टीवेटिंग होप, और जो यूथ है मुझे लगता है कि इसमें बहुत होप है। हम लोग एक फेलोशिप रन करते हैं हमारे पिरामल फाउंडेशन में, जिसका व्हाट वी कॉल गांधी फेलोशिप एंड पिरामल फेलोशिप, उसमें कुछ 200-250 लोग हम लोग रिक्रूट करते हैं एवरी ईयर, जो बेस्ट कॉलेजेस में हैं, कई आईआईटी से हैं, कई इंजीनियर्स हैं, और बोलते हैं इन्हें कि आप 2 साल अपनी लाइफ की रूरल इंडिया में डिवोट करें। और आपको ये सरप्राइज होगा कि 12,000 लोग, बच्चे या यूथ अप्लाई करते हैं फॉर ओनली 200 पोजीशंस हर साल। तो ताकि दैट मींस के कई यूथ हैं, जैसे आप अक्षय जी बोल रहे थे, दैट हु वांट टू गिव बैक टू द कंट्री। और 12,000 लड़के, अच्छे-अच्छे लड़के लड़कियां सभी आईआईटी सभी इंजीनियरिंग बेस्ट 50 बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया से अप्लाई करते हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, अर्बन हैं, रूरल हैं, फ्रॉम गुड फैमिलीज, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड दे आर गिविंग 2 years ऑफ देयर लाइफ ताकि इंडिया इज बेटर। उनके पेरेंट्स जब ये फैसला लेते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में कोई रिएक्शन है कि उनकी सोसाइटी, जैसा अभी अक्षय ने इशारा किया इस बात को लेकर, उसका कोई तजुर्बा आप शेयर करना चाहेंगे? तो पेरेंट्स पहले, ये कुछ 7 साल से हम लोग कर रहे हैं, पहले 1-2 साल तो पेरेंट्स को बहुत चिंता हुई, अगर मैं होता तो मुझे। We have about 60,000 primary schools. I'm in fact, the 5,000 is small in the number of 60,000. For the foundation, bridging the rural-urban divide is at the crux of the initiative, something that the government desperately needs. Obviously, सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट को करना है। मैं तो ये कहूँगा, आज का जो प्रोग्राम है, ये आपके NDTV पे आएगा, बस कोई लोग देखेंगे कोई लोग नहीं देखेंगे। मैं तो कहूँगा इसकी DVD बना के गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को भेजें, आप मेरी तरफ से भेज दें ताकि वो देखें, अगर उन्होंने शायद प्रोग्राम मिस कर दिया हो। प्लस जहाँ तक साइकोलॉजिकल का सवाल है,
यस, बहुत सारे लोगों को उनसे, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने उनसे बात की और बात करके उन्हें समझाया एंड उसे उस मोड़ से बाहर लेके आए. एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आपने बात की होगी, यू मस्ट हैव स्पोकन टू हिम वेरी वेल. आज ही की बात है, मेरा बेटा स्कूल से आया, थोड़ा उखड़ा हुआ था, नाराज था एंड मेरी मतलब समझ में नहीं आया और साइकिल लेके समुंदर किनारे पे चला गया साइकिलिंग करने. और फिर मैंने फ़ोन करके उससे बात की और कहा, डैड आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई. क्या हुआ बेटा? डैड होमवर्क है, फिर मुझे स्पोर्ट्स पे जाना है, फुटबॉल खेलना है, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं. और आप भी कहते हो फिर स्पोर्ट्स पे मुझे कराटे करना है, ये करना है, तो मैं आई कांट कोप अप विद इट. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ स्ट्रेस एंड आई रियलाइज दैट आई शुड जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि इतना स्ट्रेस ना लें इस चीज़ को. आराम से प्यार से इसको समझाया मैंने एंड आई गॉट हिम बैक. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको समझाना, इट इज़ अ वेरी असेंशियल थिंग एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब वहाँ रूरल एरिया तक कौन कौन जाएगा, उसके लिए क्या क्या करना है, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है. हम जितनी बहुत छोटी मोट मदद कर रहे हैं, सर तो बहुत हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी सुन चुका हूँ. मुझे सर मिलने आए थे और इन्होंने इनके पिरामिल फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई एंड आई एम सो ग्लैड दैट सम पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. एंड और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े कहीं तो ज़रूर बोलिएगा. एंड बट यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर लोग फार्मर्स से बात करें और उनसे कहे कि ये करना सही नहीं रहेगा. साइकोलॉजी जो अक्षय जी कह रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपका ऑफर, बिकॉज यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पर साइकोलॉजिकली इसलिए हम लोग 11 स्टेट्स में शुरू किए हैं, 24/7 हेल्पलाइन है जिधर लोग फोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई डॉक्टर के पास जाना. इट्स अ हेल्थ हेल्पलाइन. और जैसे ये बात को मैंने देखा, मैंने और नाना पाटेकर साहब ने, हमने छोटा मोटा काम किया. आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास कितने लेटर्स आए हैं कि भले हमें अभी तक पैसा कुछ नहीं, मतलब आप छोटे छोटे हिसाब से मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें अब बहुत अच्छा लगा कि हमारे बात कोई शहर में बैठ के कर रहा है. सो साइकोलॉजिकली दे ऑल्सो फेल्ट बेटर. तो मैं कहूंगा कि ये चीजें अगर मुद्दा बिग हीरो लाइक यू हाथ रखने का वक्त तो है, चाहे हम अपनी कहूंगा कि हमें हमारे देश को, भारत देश को किसानों के बारे में बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस, उस मुद्दे को सबसे आगे लाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो देश सही रहेगा. उसके बाद बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसके बाद उसे फेस करें, लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा सॉल्व करें. अजय साहब, ये जो किसानों का मुद्दा है, ये ऐसे चर्चा आप कर रहे हैं NDTV और अक्षय जी के साथ, आई थिंक इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि एक्शन हो. और इसमें एक्शन चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति कुछ न कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है. और अगर सभी लोग हम लोग मिल जाएंगे तो बिल्कुल कल्टिवेट होप होगा एंड आई थिंक जो प्रॉब्लम्स है सामने उसका सलूशन भी निकाल सकते हैं. एक चीज़ जो हम कहना भूल गए, बहुत ज़रूरी है, विमेन जो हैं वो रूरल इंडिया में मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, दे प्रेफर डाइंग. एंड दिस एक्सपेरिमेंट विच वी कैरिड आउट फॉर फाउंडेशन डिड इन 5-7 years, जिसमें एक टेली मेडिसिन और वहाँ के एक लोकल दाई को एक्सपर्ट बना के, नाउ दिस प्रोजेक्ट शुड स्प्रेड आउट. नो, एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही लिमिटेशन कर सकती है, 200 करोड़ लगा देंगे आप, 500 करोड़ लगा, बट द प्रॉब्लम इज मैसिव. सो इफ गवर्नमेंट एंड अदर कॉर्पोरेट्स कैन कम फॉरवर्ड. ठीक, समस्या जितनी बड़ी है सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है खेती का वो एक से नहीं होगा, लेकिन बड़ी एजेंसी इसमें सरकार है, उसको लीड करना चाहिए और उसको अपने लोगों में भरोसा रखना चाहिए, जितनी सरकारें हैं देश की,
वो किसानों के लिए अच्छी नीयत से अगर कुछ करना चाहे तो लोग आएंगे, कंपनियां भी आएंगी, और ज़रूरी है कि हम बात करें कि जो समस्या क्या है वो लागत और मुनाफे की समस्या है। इस देश में बात होनी चाहिए कि आय इनकम कमीशन बनाया जाना चाहिए, प्राइस को लेकर, रेगुलेटर को लेकर, इस पर बात कीजिए। आप सारे नौजवान इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि दुनिया के देशों में क्या ऐसा किया गया है कि किसान ने अगर आप लोग कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर, प्रेस से। धान और गेहूं साल भर 6 महीना, मतलब आप खेती करके तो देखिए कि खेत में रोज जाके देखना पड़ता है कि कोई नीलगाय तो नहीं चर गई, जो खाद डाला था वो सही है कि नहीं सही है, खेती का तरीका बदलना है कि नहीं बदलना है, ऑर्गेनिक पर जाना है कि नहीं जाना है। हमें एक आंदोलन के मूड में जाना पड़ेगा, और वो ये तभी होगा मुझे लगता है कि लोग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन समस्या का समाधान इससे नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी जगहों पर हो रहा है। तो इसके लिए जब तक सिविल सोसाइटी प्रेस नहीं करेगी सरकार को, खुद को, तमाम एजेंसियों को, हम बहुत जल्दी नतीजा नहीं देख पाएंगे। आप अक्षय से और अजय जी से सवाल पूछें, मेरे से नहीं। किसान को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्कूल्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है कि उनके खेत में से जो जो आउटपुट आना चाहिए वो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर, एक एग्जांपल मैं सिर्फ राइस का लूंगा जो इन्होंने लिया था, हिंदुस्तान का एवरेज राइस प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 2 टन है पर हेक्टर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 10 टन है। अगर इनको आउटपुट ज़्यादा मिलेगी तो इंडिया भी एक्सपोर्ट भी करना चालू कर पाएगा, इनको अच्छा दाम भी मिल पाएगा, अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। US के अंदर 7.5 है, बांग्लादेश के अंदर 2.9 है, 2.9 मैट्रिक टन पर हेक्टर आउटपुट, इंडिया के अंदर सिर्फ 2 टन है। सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका में किसानों को बहुत सब्सिडी दी जाती है। हमारी सरकारें जब सब्सिडी देती है तो हम उसे खैरात समझने लगते हैं, और हम अपने सरकारों को ही संदेह की नज़र से देखने लगते हैं कि लगता है कि सरकारें गलत कर रही हैं, बल्कि हमें समझना चाहिए कि सरकारें अच्छा कर रही हैं, उनको और ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है। ये बोल रहे हैं वो ठीक बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है, आप अपने, वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी। जो एग्रीस में कहां सब्सिडी है, वो 2.9 मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है, वियतनाम इज प्रोड्यूसिंग 4.2 मैट्रिक टन ऑफ राइस पर हेक्टर। आप बताइए कि अगर, लेट मी ऐड वन मोर थिंग, वी आर यूजिंग 10 टाइम्स द वाटर दैट इजराइल डज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस। अच्छा, एक चीज और मैं इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है ग्लोबल एरिया वाइज, आई एम टॉकिंग, हमारे 44 हेक्टेयर जमीन हमारी राइस होती है, जो मतलब अगर उसमें अगर हमें 7 टन या 10 टन क्विंटल, ये सवाल उठ गया है, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी की कमी है, या उसी एक हेक्टेयर खेत में हम ज्यादा धान की फसल ले लें तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। माइक ले लीजिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो समस्या है, हाँ, इसका नहीं है जो क्वांटिटी हम बता लें, हाँ, हम क्वांटिटी बताएंगे उसका मंडी में मार्केट नहीं है। आप देखिए ना, कितना गेहूं उगाया, कितना हम आलू उगाया, उसका मार्केटिंग नहीं है। उसका समस्या जो किसान का ये है, ये सरकार कर सकती है। देखिए आप, अभी जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो किया, ये उसके ऊपर सरकार अमल करे, जो किसान पैदा करता है, जो उसके ऊपर खर्चा आता है, उसका 50% मुनाफा डाल के उसको दाम दें, क्योंकि जो खेती के लागत खर्चे वो 40% बढ़े हैं पिछले 7-8 साल से। जो हमारे दूसरे MSP के रेट हैं वो 2-2.5% बढ़ते हैं। सर, हमारे किसान को स्वामीनाथन कमीशन की मालूम है। कैसा किसान उसका गैप पूरा करेगा? देखो, जो कर्जा है बढ़ता जा रहा है प्राइस, क्योंकि जो इस देश के अंदर 7-8 साल में 1 करोड़ किसान खेती से बाहर हो चुके हैं, खेती करना नहीं चाहते, हमारे बच्चे खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि पंजाब का नौजवान 86% बाहर जाना चाहता है, क्योंकि देश अब तो बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। सरकार को सोचना चाहिए किसान के लिए, क्यों सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही। केरला के अंदर शूतानंदन की सरकार थी, एक दफा उनके 4% ब्याज दिया, और विधानसभा में जो बिल पास किया जो कर्जा मुक्ति का था, उसके लिए उधर सुसाइड रुका उस खित्ते में। सरकार कष्ट करने नहीं चाहती। और कोई सवाल अगर आप हमारे मेहमानों से पूछ सकें तो 1-2 सवाल आप पूछ सकें सुझाव के जरिए तो अच्छा रहेगा।
आइडिया आया जी। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज नुकुल व्यास एंड आई। साहब जी बोला दो पिक लो करके, तो बिजली हमको रात को 10 घंटे देती, दिन में 10 घंटे बंद रहती साहब। 10 घंटे में आधा घंटे बंद करती, रात में जो जो बिजली रही तो वलित करने को जाना पड़ता। 10 एकड़ खेती में 60,000 रुपए लोन देती, एक पान टपरी रहे तो उसको 50,000 देती थी। वो 20 लाख की खेती है, 60,000 लोन, 2 लाख रुपए खर्चा आया, 30 क्विंटल कपास हुआ समझा, 1,20,000 का कपास हुआ, 80,000 घाटे में हूँ। फिर आत्महत्या करूँ तो क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप इट इज सो सैड एंड यू कैन सी हाउ मच एंगर इट इज देयर। शासन जवाबदार है इसमें। और कोरोड़ो हमारे एरिया विदर्भ में कोरोड़ो खेती है, 95% कोरोड़ो है। बिजली भी विदर्भ में हो रही। अब यहाँ चका मुंबई में आया, मैं भाव लाया तो चकाचक दिख रहा, इधर हमारे तरफ दो दो तीन तीन घंटे नहीं रहती। मैंने चांगल है तुम्हें ऐसा जोरत मनता, तुमसे सगड़ा ऐकना है लोग, तुमसे सगड़ा ऐकना है, चांगल के लोग तुम्हें जोरत चांगल। शेतकऱ्याची परिस्थिती एवढी गंभीर आहे, हो बरोबर आहे, तुम्ही एवढं मांडले मांडले आहे तुम्ही, अजूक मांडाव। ये हम सभी के लिए सोचने की बात है, शर्म की बात है कि इन समस्याओं के बारे में हम उतनी ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं। उम्मीद हम करते हैं कि ये बातों का सिलसिला बढ़ेगा, ये आज शुरुआत है, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा हम इसे बढ़ाएंगे, और नहीं भी मिलेगा तब भी बढ़ाएंगे, बढ़ा ही रहे थे। सो हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सो चिंता मत कीजिएगा कि इतने सालों से उमा सुधीर अपने मोर्चे पर डटी हुई हैं, श्रीनिवासन जैन आज भी किसी बुंदेलखंड के इलाके में घूम ही रहे होंगे, मैं भी कहीं से घूम ही आता हूं, तो चिंता मत कीजिएगा, अपने तरफ से अपना अपना हिस्सा तो अदा करके जाएंगे। किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम होनी चाहिए। अफसोस कि मुझे भी यही सिखाया गया था कि खेती मत करना, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है। और Cultivating Hope, this campaign of bringing awareness. We cannot protect our farmers, which is the backbone of the country. They are providing this food, but they themselves and their children. We highlight their condition and bridge the gap between urban Indians and the hands that feed us. से कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग जलते थे, लेकिन मेरे नाम से सब लोग जुड़ना चाहते थे। मगर उसी साल अगस्त में हालात हम पे ऐसे हावी हुए ₹70,000 हिंदुस्तानियों की तरह